चित्रकला के बारे में देखा, तो साथ को लेकर व्याख्या के अनुसार यजुर्वेद की कलाओं के वर्णन में चित्रकला को लेख करते हुए उपदेश दिया गया है कि शोभा के लिए रंजन कला चित्रकारिता के ज्ञाता का अनुकरण करना चाहिए। ये यजुर्वेद के 1.30 में 12वां पॉइंट वहां पर आता है, प्रकार नाम प्रकामाय रजित्रेम। उसके बाद चित्रकला के 6 अंग हैं, प्रमाण, सही माप और संरचना आदि, वर्णिका भंग, रूपभेद, भाव योजना, लावण्य और सादृश्य पदार्थ। एक अच्छे चित्रकार को इसके बारे में ज्ञात होना आवश्यक है। उसके बाद चित्रकला यूं ही नहीं हो जाती, उसके लिए कोई भी कला वैसे तैसे ही नहीं हो जाती, चित्रकला के लिए बहुत ज्यादा सूझबूझ की जरूरत होती है। कला हृदय की भाषा है, इसलिए यह मनुष्य के षड विकारों, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से ऊपर है। कला के माध्यम से कलाकार की कल्पना एवं विचारों का भान होता है। पर्वतों पर हिमपात, उदित होता हुआ सूर्य, पल्वित एवं विकसित होते हुए पुष्प, चंद्रमा का चंद्रत्व एवं सुंदरता, झरनों के रूप में कलकल ध्वनि करते हुए बहता जल, पक्षियों की कलरव ध्वनि, जब कलाकार को अपनी कल्पनाओं के रंगों से सजाता है तो मात्र उसका ही नहीं अपितु चित्र देखने वाले का भी मन भावित हो जाता है। ये मैम मैं समय की अभाव को ध्यान में रखते हुए आपसे शॉर्ट फॉर्म में कह रही हूँ कि चित्रकला का उद्देश्य है कि जो जैन चित्रकला है उसकी सारी भावना धार्मिक रही है, उसने कहीं पर भी विकृत चित्रों का प्रयोग नहीं किया है, और जैन धर्म अपनी अनेकांत दृष्टि के अनुसार जीवन के समस्त पक्षों पर यथोचित ध्यान देता है, और यही ये बात उसकी चित्रकला से अक्षर अक्षर है स्पष्ट होती है कि उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है विवेकपूर्ण मानव व्यवहार के परिष्कार के लिए आदर्श स्थापित किए गए हैं, उनके अनुसार जीवन की कुत्सित वृत्तियों का निषेध करना उसने सिखाया है, संयम की स्थापना करना सिखाया है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये मैम कुछ चित्रकला के विविध पक्ष हैं, ये मेरी इसमें है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। उसके बाद एक पॉइंट इसमें पढ़ना चाहती हूँ कि कल्प सूत्र में जैन संप्रदाय के, जब मुझे मौका मिला पिछले साल बेंगलोर के पास श्रवण बेलगोला एक जगह है, लगभग 200 किलोमीटर की दूर है, वहाँ पर कल्प सूत्र पांडुलिपि है उसकी, और उसमें लिखे होने के साथ साथ लिखावट के साथ साथ कुछ चित्र भी हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर कर रही हूँ। ये है मैम कल्प सूत्र के सारे पांडुलिपि के हैं, जिसमें लिखे होने के साथ साथ चित्र भी बनाए गए हैं। यहाँ से चित्रकला के प्रति जैन संप्रदाय की क्या भावना रही है वो आती है। उसके बाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती जैन चित्रकला, जैन चित्रकला आध्यात्मिक भाव संपदा के रूप में भी हमारे सामने आती है। जैन ग्रंथों में मुनियों ने आध्यात्मिक भाव संपदा को, जो आचार्य भद्र बहु के समय की से मौखिक रूप से चली आ रही थी, उसको लिपिबद्ध किया। जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को जन जन के हृदय में अंकुरित करने के लिए उन्होंने चित्रों का आश्रय लिया, और आगे चलकर इन्हीं चित्रों की शैली जैन चित्र शैली को कलानाम प्रवरम चित्रम, ये उन्होंने एक उपोक्ति दी है, शीर्षक दिया है, यह कहकर कलाओं का सम्राट घोषित किया। चित्रकला का बहुमुखी विकास करते हुए मैम ये भावना की मालवा की चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला और अजंता से की गुफाओं से जो चित्र है वो उपस्थित किए गए हैं। इसके बाद चित्रकला, जैन चित्रकला की प्राचीनता, क्योंकि चित्रकला की प्राचीनता तो हम देख ही चुके हैं भीम बेटका की गुफाओं से होती है, लेकिन जैन चित्रकला की जो प्राचीनता है वो सित्तनवासल गुफा है वहां से मिलते हैं, ये तमिल प्रदेश में तंजोर के समीप है, और इस गुफा में समस्त भित्तियां एवं छत, बस मैम 2 मिनट में मैं खत्म करती हूँ, छत चित्रों से अलंकृत थे, जो कि 625 ईस्वी के समय के आसपास इनका समय है। उसके बाद ये मैम श्री महावीर जी का चित्र है जो छत पर चित्रकारी की गई थी वहां पर। ये जब हम दिल्ली से आगे जाते हैं तो 400 किलोमीटर के पास से दूर यहाँ से दिल्ली से श्री महावीर जी एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा जैन दिगंबर, बहुत प्राचीन जैन दिगंबर मंदिर है, उसकी जो छत पर चित्रकारी की गई है उसके यहाँ पर आपके सामने नमूने उपस्थित हैं। और उसके साथ ही दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर तिजारा करके एक जगह है, वहाँ से भी इनके मंदिरों से चित्र खींचे गए हैं। उसके बाद ये आधार स्तंभों पर जो चित्रकला हुई है जैन मंदिरों में, जैन संप्रदायों में, वो है भारतीय चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ है। ये भित्ति चित्रों के उदाहरण है जो पूरे मंदिर सजे हुए मिलते हैं, कहीं पर भी शायद ही प्राचीन मंदिरों में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर चित्रकला के उदाहरण नहीं मिलते होंगे। ये
वहाँ पर चित्रकला की एक पूरी की पूरी गुफा बनाई गई है और वहाँ पर जो भी जैन संप्रदाय में घटनाएं घटित हुई हैं उनको चित्रों के रूप से उभारा गया है। और ये देखने में बहुत सजीव है। जैन चित्रकला के प्रतीक चिन्ह सिर्फ एक चित्र नहीं किए गए, बेल बूटे पत्थर ये फूल आदि ये नहीं बनाए गए, बल्कि जो चित्र बनाए गए हैं उनके प्रतीकात्मक रूप में भी उनको देखते हैं। और इस तरह से जैन चित्रकला प्रगतिशील संपदा है, क्योंकि आज भी जो जैन संप्रदाय के मंदिर बनते हैं, चैत्यालय बनते हैं, उनमें चित्रकारी उसी तरह से होती है। और अब इस चित्रकारी ने, रंगों की चित्रकारी ने, कांच की चित्रकारी का रूप धारण कर लिया है। और कांच के छोटे छोटे फूल की जो उनकी लटे होती हैं वो बनाई जाती हैं, बनी बनाई उनकी कटिंग्स होती हैं और उनको चिपका दिया जाता है, जो चित्रकार की अपेक्षा बहुत अधिक समय तक रहती है। यहीं पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अर्चना चौहान, SST कॉलेज रुड़की से। सभागार में उपस्थित सभी सामान्य प्रभुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना चौहान, SST PG कॉलेज रुड़की से आपके सम्मुख अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है वैदिक वाद्य यंत्रों का क्रमिक विकास, जिसमें सिर्फ वाद्य यंत्रों का जो क्रमिक विकास हुआ है उसके बारे में ही मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वैसे जैसे इस डाइस पे मैम और नीचे डॉक्टर भारती शर्मा दोनों मेरे बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, और इस माइक पे जो पूरा कमांड है वो इन लोगों का है, तो इनके सामने मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती बोलते हुए। आगे मेरा वैदिक वाद्य यंत्रों का क्रमिक विकास, ये मेरा टॉपिक है। मानव के कल्पनाशील मन में प्रकृति पदत साधनों के आधार पर वाद्यों की संरचना की गई और परम ब्रह्म ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हो वैदिक काल में ये उसे समर्पित किए गए, भक्ति की अंतर भावना से प्रेरित हो ऋषियों के आधार वो देवत्री को वाद्यों धारण करवाए, रुद्रदेव को डमरू, विष्णु को संघ तथा इंद्र को तणित से संबंधित करके वाद्य प्रदान किए गए। तमोगुणी रुद्र ने डमरू को ग्रहण किया, जीव का हनन करके उसके चर्म से निर्मित होने के कारण ये तमोगुणी वाद्य रुद्र को मिला। विष्णु सतगुण का प्रतीक माना गया, इसलिए सात्विक गुणी शंख को विष्णु ने धारण किया। इंद्र अर्थात इंद्रियों का राजा, इनको इनके अनुरूप रजोगुणी वाद्य में गर्जन से प्रदान किया। श्री मद्भद भागवत पुराण में श्री कृष्ण के पिता को आनक नाम से भी संबोधित किया गया था, क्योंकि उनके जन्म के समय में आनक नामक वाद्य का भी वादन हुआ था। शिव प्रदोष स्रोत के अनुसार जग जननी गौरी को सुवर्ण सिंहासन पर आसीन करके प्रदोष समेत त्रिशूल पाणी शिव शंकर ने नृत्य करने की इच्छा प्रकट की। इस मंगल अवसर पर समस्त देवतागण उपस्थित होकर उनका स्तुति गान करने लगे। देवी लक्ष्मी ने भी अपना गायन प्रस्तुत किया। विष्णु ने मृदंग वादन, सरस्वती ने वीणा, इंद्र ने वेणु तथा ब्रह्मा ने करताल वादन किया। इस नृत्य युक्त संगीतोत्सव के लोकात गंधर्व पक्ष उरंग पतंग सिद्ध विद्याधर देवता किन्नर अप्सराएं आदि उपस्थित हुए। भरत मुनि द्वारा उल्लिखित प्राचीन पुष्कर वाद्यों में विषय के अंतर रोचक और कोमल कल्पना युक्त कथाएं हैं। एक बार स्वाति मुनि जल लेने के लिए जलाशय पहुंचे, तभी तीव्र वृष्टि प्रारंभ हो गई। सरोवर में वर्षा जल की बूंदे कमल पुष्पों की पंखुड़ियों पर गिरने से मधु आघात से विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न हुई। इन्हीं ध्वनियों के आधार पर महर्षि विभिन्न पुष्कर अभिनत वाद्यों की सृष्टि की ऐसा उल्लेख पुराणों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार पर्णकुटी में उल्लेख सूखे पत्तों पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों से उत्पन्न ध्वनि से उत्प्रेरित होकर भगवान शिव ने अभिनत वाद्यों का निर्माण का वर्णन भी पुराणों से प्राप्त होता है।
और इसी प्रकार की कथा हो रही है कि भगवान एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत में समाधिस्थ थे, उसी समय सूरज नामक असुर वहां आ पहुंचा और वहां समाधि भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने लगा। तभी भगवान शिव ने उसको रोका, फलस्वरूप दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में असुर मारा गया, उसका छत विशत शव, उसके सिर हाथ पैर आदि बिलग हो चुके थे, वे वही पड़ा रहा। उस सबको कुछ तो गिद्ध उठा के ले, किंतु भारी होने के कारण उनके पंजों से छुटकर वह एक वृक्ष पर जा गिरा। शव को कुछ मांस पक्षी खा चुके थे, शेष वृक्ष पर पड़े पड़े वह सूख गया और दोनों तरफ के जो सिरे थे चर्म वो सूख कर चिपक गए आपस में। वायु चलने के कारण वृक्ष की टहनियां शाखाएं वेग से हिलने लगी और सूखे हुए चर्म वाले शव पर आघात करने लगी। ऐसा होने से उसने विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न होने लगी। संयोगवश भगवान शिव उस मार्ग से जा रहे थे, नवीन प्रकार की ध्वनियां सुनकर उत्सुकतावश देखा तो उस शव को पाया। निकट जाकर देखा, चर्म युक्त खोखली आकृति के सिरों पर हस्ताघात किया तो गुंजन उत्पन्न होने ध्वनि उत्पन्न होने लगी। इससे प्रेरणा पाकर भगवान शिव ने अवनत वाद्यों की रचना की। तंत्र वाद्यों का निर्माण भी भगवान शंकर के द्वारा ही किया गया, जिसके पौराणिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि शिव शंकर ने पार्वती जी के शयन मुद्रा से विभोर होकर अति रंजित प्रेरणा पाकर वीणा का निर्माण किया था। पार्वती जी एक बार प्रगाढ़ निंद्रा में निमग्न थी, वे सीधी लेटी हुई थी तथा दोनों भुजाएं वक्ष तल के ऊपर आड़ी रखी हुई थी। वीणा के मूल रूप से जिसमें डांड बीच का जो डांड पूरा और आड़ी रखी हुई थी, तो जो चूड़ियां थी वो सारी उनके तंत्र और जो तंबू उनके समांतर मूल रूप में जिसमें डांड उसके नीचे समांतर दूरी पर लगे हुए दो तंबू होते हैं, पार्वती जी की वही शयन मुद्रा साकार हुई। वीणा के पर्दों की कल्पना बाहों की चूड़ियां तथा कंगनों से निष्पादित की गई। भारतीय संगीत परंपरा के अनुसार किए गए वाद्य विभाजन के अनुसार वर्गीकृत तत् सुशीर अवनत तथा घन इन चारों प्रकार के वाद्यों का सृजन आदि मानव ने अपने युग में अपने स्तर से कर लिया था। उसी जीवन शैली में संगीत वाद्य यंत्रों के उपयोग का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें सर्वप्रथम घन वाद्यों का सृजन हुआ। भरत मुनि स्वरूप के आधार पर वाद्यों को चार भागों में विभक्ति किया गया। तत्वाद्य था तंत्रवाद्य, अवनत वाद्य था चमृत वाद्य, घन वाद्य था तालविद आघात वाद्य, सुशीर वाद्य था वायु वाद्य और अंत में वाद्यों के सृजन में मूल रूप से मानव तथा प्रकृति अन्य उल्लास आनंद का शाश्वत प्रभाव था। जब मनुष्य स्वयं से सौंदरात्मक प्रभाव की तरंग में विभोर हो जाता है तो स्वयं में भी संगीत में हो जाता है। इससे चर्मोल्लास के शाश्वत प्रभाव का स्वरूप मनुष्य का विशिष्ट आनंद बन गया। उस आनंद को जब मनुष्य अपनी साधना से प्रभाव मांग करने लगा तो संगीत की रसानुभूति स्पष्ट से स्पष्टतर होती गई। कंठ संगीत और वाद्य इस स्पष्ट अनुभूति के सुरीले हस्ताक्षर बने। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपर्णा चौहान बिजनौर से। According to the Hindu philosophy, it is human body which perishes but never the soul. The soul is immortal. In order to break relation between dead and departed soul, different kinds of disposal of the dead come into vogue, which ultimately in due course of time got importance. References to the disposal of the dead in the early Indian literature are plenteous, and the earliest of them we find in the Vedas. Literary references suggest that inhumation, burial and cremation were both in vogue as early as Vedic
times. The term Agni Dag means cremation, burnt with fire, applies to the dead who were burnt on the funeral pyre. Whereas the term An Agni Dag means burial, refers to the disposal of the dead other than burning. However, the earliest method of disposal of the dead seems to be the sub-aged deposit or leaving the dead body on the ground. In this connection, the reference to two words, Paropta, casting out, and Udeta, exposure of the dead, in the other ways need mention here. The cremation or burning of the dead body is the most accepted mode of disposal of the dead among the Hindus from the time of Vedas. Fire was regarded by them as messenger of the gods on earth and the carrier of the oblation offered to them. In the Rig Veda Samhita and Atharvaveda, we find mention of a house of Bhumi Graha for burial. Certain hymns in Rigveda describe rituals pertaining to burial. In fact, one complete hymn is set aside to the ritual attending it. In the Vasini Sahita, where due to some reason or other, the entire body could not consign to the flames, there is practice of Mukhagni, putting fire in the mouth and then disposing of the unburnt body by throwing into the river. The Rigveda refers to wrapping of the body in flax. According to the Atharvaveda, a draft ox was burnt presumably for the dead to ride in the next world. Thus we can say that cremation and inhumation or burial proper prevailed in the Vedic times. References to them in Vedic literature are proposed. Thank you. धन्यवाद अपर्णा चौहान. अभी को चेयरपर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं एक अपना ही लिखा हुआ शेर आपको सुना देती हूँ. कला विभाग में मैं बैठी थी, मेरे साथी बैठे हुए दोनों, तो मैंने कहा कि सब रंग मिलके कौन सा रंग बनता है. सब रंग जो मिल सारे कलर्स को मिला दो तो एक अजीब सा रंग होता है, धुंधा धुंधा. तो मेरे मुँह से शेर निकल गया था. दर्द की तस्वीर गर होती तो होती क्या भला, दर्द की तस्वीर गर होती तो होती क्या भला, रंग सब मिलकर ये बोले खो गए होशो हवास. रंग सब मिलकर ये बोले खो गए होशो हवास. मेरे साथी सोच रहे हैं उस समय ऐसी बात बात में शेर लिख दिया था, लेकिन आज ये शेर बहुत सौभाग्यशाली हो गया है कि वेब्स के मंच से ये हो सुनाया गया है. इसी पर एक शेर अर्ज याद है, ये सरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया जा कितना होगा. वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी. अभी आ रहे हैं. हाँ बस अब सर्टिफिकेट आने हैं और चेयरपर्सन को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ. तो इतना ये जो अंतराल था, मुझे लगा इसको कैसे भरा जाए, तो इसलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ. हमारे बीच में जो चेयरपर्सन हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने शब्दों से हम सबको समाप्त करेंगे. सम्मानित मंच, श्रोतृवृंद, अभी आप इस सत्र की कलाओं के संबंध में चर्चा सुन रहे थे. सभी ने अपने अपने ढंग से कलाओं के विषय में अपनी अपनी बातें कही. इसमें कोई संदेह नहीं है
जैसा हमारा विषय है भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य, भारतवर्ष कलाओं का केंद्र रहा है और इसका संबंध वेद के साथ है। जितने भी कलाएं हैं उनका मूल तत्व वेद के अंदर अंतर्निहित है। सबसे बड़ा कलाकार तो वही है जिसने वेद ज्ञान दिया है ऋषियों के हृदय में, और उसकी कला का कोई मुकाबला भी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो सकती। ये जो जितनी कलाएं हैं ये मानवीय कलाएं हैं हमारी, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, संगीत है, वाद्य है, नर्तन है, चित्रकला है, भवन निर्माण है, ये सारी की सारी मानवीय कलाएं हैं। और इनकी संख्या के विषय में भी सभी पत्रियों ने अपनी अपनी बातें कही, वक्ता तो कोई दिखाई नहीं दिखाई बची है। संख्या किसी ने, अधिकांश ने 64 पर अपनी बात को पुष्ट किया, किसी ने 76, किसी ने 72, किसी ने 86, इस प्रकार से करके इनकी संख्या बताई। लेकिन एक बात निश्चित है कि जीवन में बहुत सारी कलाएं हो सकती हैं। अब एक वक्त्री ने कहा था कि यजुर्वेद के 30वें अध्याय में 64 कलाएं हैं। उस मंत्र को मैंने देखा नहीं ध्यान से, वो 64 कलाएं ही हैं और कलाएं क्योंकि वेद प्रमाण है इस बात का। वेद में 64 कलाएं जी, 65वीं कला आपने कहां से ले ली, क्योंकि वेद प्रमाण है इसका सबसे बड़ा। वेद को हम सबसे बड़ा एक प्रमाण मानते हैं, ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है इसलिए। लेकिन उसको थोड़ा सा मुझे भी एक बार देखना होगा। आप में से किसने कहा था 30 कलाएं 30वें अध्याय के यजुर्वेद के 30वें अध्याय में? हाँ, नहीं, वो जो 30 कलाएं हैं वो मूल मंत्र में दे रखी है, नीचे भाष्य में मूल मंत्र में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से कलाएं उसमें गिनाई गई हैं। लेकिन कला शब्द को अगर और गहराई से हम देखते हैं तो जैसे कम लाती थी जैसे बताया गया था, या कला गतव से भी अगर देखें तथे स्त्रे और था ज्ञानम गमनम प्राप्तिशील, गतिशीलता दे रही है कलाएं जीवन में, प्रगतिशील बना रही। चरैवेति का सिद्धांत हमें सिखाती है, व्यक्ति लगा रहता है, उसकी निष्ठा बनी रहती है, गतिशीलता बनी रहती है, उसकी रुचि बनी रहती है, जीवन में सरसता बनी रहती है। इसलिए गति गत्यर्थक धातु से भी यह शब्द बनता है। तो ऐसे करने से बहुत सारी कलाएं बन जाती हैं।